Good evening, everyone. Good evening, class. Fine. I think I am perfectly audible to all. Right. Now see, today's our conversation is on characteristics. कल तक आपको एक आइडिया लग चुका है कि कैसे अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन का वर्क है, राइट? अब इसके बेस पर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ड्रा करना सीखते हैं, राइट? हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। हाँ, एक एक करके रीड आउट करेंगे। सबसे पहले कॉमन बेस की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर को किस कॉन्फ़िगरेशन में ले रहे हैं? कॉमन बेस। बेस को हम लोगों ने भी कॉमन कर रखा है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो एनपीएन या पीएनपी कोई भी ले सकते हैं। जनरली यहां मान लो मैं एनपीएम ले रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे फर्स्ट कॉमन बेस पर अगर हम लोग जनरल डायग्राम को देखें तो कल तक यहां तक का आइडिया हो चुका था आपको। से दिस इज एमीटर, से दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। यहां पर अपने पास एमीटर है, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। नीचे मैं यहां बोल देता हूं दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन। एनपीएन ट्रांजिस्टर है। मान लो आप यहां पर, फाइन, आप यहां पर बायसिंग वोल्टेज अप्लाई कर, राइट? बायसिंग वोल्टेज पर फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए, अभी एक्टिव रीजन की बात कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए एन पर क्या कनेक्ट करते हो? एन पर ऑलवेज माइनस कनेक्ट कर रहे हो और पी पर प्लस, देन ओनली इट कैन बी सेंस लाइक फॉरवर्ड बायस, राइट? अब इसके बाद यहां दिस साइड की अगर हम बात करें, इस साइड मेटेलिक कॉन्टेक्ट पर इसको रिवर्स बनाना है, तो एन को रिवर्स बायस बनाने के लिए एन पर प्लस लगाएंगे। And this side minus. Right. अब यहां पर अगर नॉमन क्लेचर की बात की जाए तो यहां VBE नाम आना चाहिए। We can pursue this name VBE. और यहां अगर मैं नाम परसू करूं तो यहां कलेक्टर, that is VCE. इसकी हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस और इस रीजन की बात कर रहे हैं रिवर्स बायस, राइट? होप मुझे लगता है यहां तक मेरी बातों में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां तक परफेक्टली मेरी बात आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट? एक बार इसको ड्रा कर लीजिए। एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक पर इस फिगर की जरूरत नहीं, हमें मेन फिगर की जरूरत है। हाँ, रीजनिंग की क्लास में वो थोड़ा स्टूडेंट्स नेट की आज कुछ इश्यू था, इस वजह से ऐसा हुआ। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है। हाँ, अब देखिए कल पीएनपी से बताया था। हाँ ठीक है,
करेक्टरिस्टिक्स जनरली एनपीएन और पीएनपी दोनों में किसी में भी खींच सकते हो, कोई इशू नहीं है। एनपीएन थोड़ा टफ पड़ता है, पीएनपी आसान पड़ता है इसमें, बाकी एज सच कुछ टफ आसान नहीं है, दोनों सेम ही है। फाइन, बना लिया क्या आपने? चलो अब ये बताओ, जनरल जो हम बात कर रहे थे, मैं अभी स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कैरियर्स कुछ एक दो ही दिखाऊंगा, राइट, ताकि फिगर में क्लियरिटी बनी रहे। तो ये एमीटर के इलेक्ट्रॉन है, अब आप बताइए एमीटर के इलेक्ट्रॉन पर पोटेंशियल कैसा अप्लाई है? निगेटिव पोटेंशियल। अगर यहां निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई है, आप मुझे बताओ निगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या समझते हो? क्या निगेटिव पोटेंशियल का मतलब है कि यहां से चार्ज कैरियर ऐसे मूव कर रहे होंगे, राइट? निगेटिव पोटेंशियल इनको फोर्स ऑफ रिपल्सन दे रहा होगा। चार्ज कैरियर अगर ऐसे जा रहे हैं, राइट, ये इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ यहाँ के जो बेस है, बेस में कुछ होल्स होंगे, राइट? तो पी है और मैक्सिमम चार्ज कैरियर आगे निकल गए होंगे, राइट? तो इलेक्ट्रॉन यहां से चले इस डायरेक्शन में और यहां इस डायरेक्शन में पहुंचे, और यहां लगा क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल। बीच में यहां कहीं कुछ अवक्षय परत रही होगी, राइट, रिवर्स बायस में। अब बताओ बेस के अंदर, माइनॉरिटी की अगर हम बात करें तो बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है और कलेक्टर के अंदर, एन साइड के अंदर होल है। आपको पता है ये होल जब इस रीजन पर आएगा, राइट, बिकॉज ऑफ रिपल्सन, लाइक दिस होल जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इस रीजन में जाएगा। तो अगर आप कुछ कुछ करंट्स का अप्रोक्सीमेशन करें, मुझे लगता है इतनी बात मेरी समझ पा रहे होंगे, यहां पर यहां के जो होल्स हैं, राइट, ये होल्स यहां भी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन पर होंगे। फाइन, कोई इशू इसमें? देखो यहां से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन की वजह से यहां चलेंगे, जो चलेंगे कुछ रिकम्बाइन होंगे, जो रिकम्बाइन होंगे कुछ को मैं ऐसे नीचे दिखा देता हूं, मान लो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और मैक्सिमम यहां से आगे ट्रावर्स कर जाएंगे, एग्री? तो ये जो इलेक्ट्रॉन चले थे जंक्शन क्रॉस करके यहां पहुंचेंगे, कोई दिक्कत? और पी साइड में जो होल्स हैं इसके मेजॉरिटी यहां डिफ्यूज करेंगे, राइट, इसके मेजॉरिटी यहां डिफ्यूज करेंगे क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन इनको भी मिल रहा है, तो ये यहां पहुंचेंगे और ये वाले यहां पहुंचेंगे, कोई दिक्कत? ये दोनों ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और इस साइड, इसमें से जब कुछ रिकॉम्बिनेशन होंगे तो कुछ चार्ज कैरियर नीचे रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम चार्ज कैरियर यहां निकल जाएंगे, एक करंट यहां भी बनेगी, राइट, और यहां वाला जो चार्ज कैरियर है ये इस डायरेक्शन पर वैल्यू देगा, और इधर माइनॉरिटी, इधर का माइनॉरिटी, इनकी अपनी करंट बनेगी, एक्सेप्टेड? कोई दिक्कत? करें स्टार्ट। चलो नाउ लुक केयरफुली, करंट को मैं अलग से दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि इस डायग्राम में करंट दिखाने में दिक्कत हो सकती है आपको, और मेरे पास ऑप्शन था फिगर को कॉपी करने का, इसलिए मैंने अलग से बना लिया है, राइट? अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है, समझेंगे मेरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में इसकी करंट चलेगी? तो अब आप मुझे बताओ, क्या मैं आपसे ऐसा बोलूं तो इसमें कोई इशू तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन की करंट इस डायरेक्शन में है और ये करंट एमिटर जंक्शन की वजह से आई एन ई, किसी को कोई इशू इसमें? फाइन, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं बट इसकी करंट इस दिशा में नहीं होगी, एमीटर जंक्शन को क्रॉस करने वाली। फाइन, इलेक्ट्रॉन की करंट उल्टी नहीं बनेगी स्टूडेंट्स,
इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो क्या करंट इधर नहीं बनेगी? फाइन। दूसरी बात, अब अगर ये वाला होल यहां जा रहा है तो क्या होल की डायरेक्शन में ही करंट बनेगी? इस करंट को क्या कह सकते हो? आई पी, होल की वजह से। और किस जंक्शन को क्रॉस कर रहा है? मीटर। तो आई पी ई, कोई दिक्कत यहां तक? आई एन ई और आई पी ई में किसी को दिक्कत? यस रेडमी, हाँ बोलिए, किसका डाउट था? रेडमी 9A डाउट था क्या आपका? आपने रेज हैंड किया था। चलो अब इसके बाद इस चार्ज कैरियर पर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में इसकी करंट। होल इस तरफ से इस तरफ आ रहा है तो इसी सेम डायरेक्शन में इसकी करंट, कोई दिक्कत? ये दोनों करंट क्लियर होनी चाहिए मेजॉरिटी की। और इन दोनों करंट को देखें तो क्या बाहर वाली करंट एमीटर करंट क्लियर हो रही है? दिस इज कॉल्ड एमीटर करंट। होप मेरी बात गेट कर रहे हैं। कुछ नहीं है स्टूडेंट, सर सारी बातें वही है, बस पलट दिया है। कितना पढ़ा दिए अभी? कितना पढ़ा दिया स्टूडेंट? अभी तो स्टार्ट किया क्लास, क्या पढ़ा दिया? ये रही हेडिंग आज की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। अब यहां पर, अगर मैं बात करूं आपसे कि देखो स्टूडेंट्स ऊपर वाले फिगर को, जरा इस फिगर को देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंच रहे हैं। मतलब अगर 1000 इलेक्ट्रॉन चले थे अपने पास, पहले लिसन कर लेना, तो 10 मान लो रिकम्बाइन कर गए, 10 इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर गए, तो क्या अपन बोल सकते हैं कि कलेक्टर पर 990 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं? राइट। तो जो 990 पहुंचे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब रिवर्स बायस वाला जंक्शन क्रॉस होगा और जंक्शन क्रॉस करने पर करंट बनेगी, तो ये वाली टोटल की वजह से करंट थी एमीटर पर, और जो कलेक्टर जंक्शन को क्रॉस करेगी वो कलेक्टर पर करंट होगी, राइट। तो क्या अब इसका नाम नीचे हम कह सकते हैं? ध्यान से देखो, चार्ज कैरियर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या करंट अपोजिट बनेगी? राइट। इसका मतलब आप यहां पर विपरीत दिशा में करंट को दिखा सकते हैं। तो मैंने इसको स्टूडेंट इस डायरेक्शन में दिखा दिया, इस डायरेक्शन में। और नाम क्या होना चाहिए इस बार करंट का? आई। क्या ये करंट इलेक्ट्रॉन की करंट है और क्या ये करंट कलेक्टर जंक्शन की है? तो आई एन सी बोले, फाइन। मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू होना चाहिए। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में 1000 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, 1000 में 10 रिकम्बाइन कर गए। अब जब 10 रिकम्बाइन किए हैं, राइट, तो 10 की हीट एनर्जी ने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा होगा, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं 10 इलेक्ट्रॉन यहां रिकम्बाइन हो चुके हैं? बोलो कोई इशू? मतलब आपको क्लियरिटी आनी चाहिए कि जो टोटल वैल्यू थी, ये जो टोटल वैल्यू थी स्टूडेंट ध्यान से देखें सभी, टोटल वैल्यू जो थी उसमें से 10 यहां चले गए तो 10 की रिकॉम्बिनेशन करंट बनी, और ये जो करंट बनी, राइट, 1000 से किसका अंतर? देश का अंतर, राइट। तो क्या मैं यहां बोल सकता हूं कि इस समय अपने पास जो नीचे रिकॉम्बिनेशन हुआ है उसकी करंट बन रही है? कोई दिक्कत इसमें? यहां तक कोई प्रॉब्लम? फाइन है सभी को? और यही करंट किससे एलोकेट होगी? बेस वाले से। अगर ये बेस वाले से एलोकेट होगी तो आपको पता है बेस करंट
अपवर्ड होगी। और अगर मैं दोनों माइनॉरिटी की भी करंट को देख लूं, पहले माइनॉरिटी बताइए, अगर होल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको लिख ही लेता हूं, होल इस डायरेक्शन में जा रहा है माइनॉरिटी का, तो क्या इसकी दिशा में ही आई पी सी ओ बनेगा? और इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के जाने की विपरीत दिशा में करंट बनेगी, तो क्या मैं इस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट को हटाकर इसकी करंट दिखा दूं? इलेक्ट्रॉन की करंट, सीधे करंट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की करंट राइट क्या बनेगी, आई एन सी ओ। तो इन दोनों करंट की वजह से आई सी बी ओ की डायरेक्शन बदल गई। और अब बताओ पीछे से कौन सी करंट आ रही होगी? क्या यहां से आईसी करंट नहीं आ रही होगी? इसका मतलब आईबी करंट और आईसी करंट जब इन होंगी तो कितनी टोटल करंट बनेगी? आईई राइट। आईई करंट बराबर आईसी प्लस आईबी, लगाओ केसीएल टोटल पर, ये बाहर जा रही है और ये दोनों अंदर आ रही है। एक्सेप्टेड है, कोई इशू तो नहीं इसमें। और अपने पास जो आईबी करंट है एक्चुअल में, वो भी आप समझ रहे होंगे किससे किसका अंतर है राइट। अगर मैं इस पॉइंट पर केसीएल को जस्टिफाई करूं तो क्या स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो, इस पर्टिकुलर नोट पर, यहां इस पर्टिकुलर नोट की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको लग रहा है इस पर अगर मैं केसीएल लगाऊं तो आईबी अंदर आने वाली है, आईएनसी अंदर आने वाली है, तो क्या इस वैल्यू को हम देख पा रहे हैं? आईएनसी प्लस आईबी बराबर आईएनई, तो क्या आईबी का मान इस तरफ से ये करंट कितनी बन रही है? आईएनई माइनस आईएनसी। और अब बताओ मुझे, आईएनई माइनस आईएनसी यहां से जा रहा है, ये आ रहा है और इसमें प्लस आईएनसी जुड़ जाएगा, तो क्या आईएनई नहीं निकलेगा? फाइन, देखो इलेक्ट्रॉन है तो उल्टा होगा स्टूडेंट्स, डायरेक्शन तो बदलेंगी। फाइन, कोई इशू इसमें? बस इतनी छोटी बातें दिमाग में रखनी थी, ये कुछ बेसिक बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। किसी को कोई इशू आ रहा हो इसमें? यहां तक आराम से रुककर, थोड़ी नई चीजें हैं अभी आपके लिए ट्रांजिस्टर, तो जहां दिक्कत हो यू कैन आस्क, अदरवाइज मैं आगे कंटिन्यू करूं। राजानी क्लियर है यहां तक? ठीक है, फाइन। चलिए अब देखो, अगर हम लोग ट्रांजिस्टर पर करेक्टरिस्टिक बनाने की बात कर रहे हैं, आप इस हेडिंग को जरा देखें, नहीं आप एक फिगर में भी बना सकते हैं स्टूडेंट, बट मुझे लगता है कई बार दिक्कत हो जाती है चार्ज कैरियर के साथ, जब दो दो बातें हम एक ही फिगर में दिखाते हैं, मूवमेंट और उसकी करंट, इसलिए मैंने दो अलग अलग फिगर बना दिए हैं राइट। आप एक में बना पा रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस वर्जन बनाऊं, तो आपने अभी पढ़ा था कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, जी ये ट्रांजिस्टर का सिंबल था अपने पास, बीच वाला टर्मिनल बेस है, दिस टर्मिनल इज बेस, और दिस साइड का टर्मिनल एमीटर है, दिस इज एमीटर एंड दिस साइड टर्मिनल इज कलेक्टर, ये तीन टर्मिनल है अपने पास। अब इन तीन टर्मिनल्स पर हमें इनपुट का स्पेसिफिकेशन करना है, तो मान लो मैं बेस वाले टर्मिनल को नीचे खींच लेता हूं राइट, बेस के रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में, अच्छा इससे कोई डाउट तो नहीं, बेस को रेफरेंस दिखाने से, याद है ना सबको, हमें मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स से है, तो मैंने इसको जस्ट रेफरेंस दिखा दिया। अब
एमीटर यहां है, बेस यहां है स्टूडेंट्स, बताओ एमीटर और बेस के बीच में क्या लगा रहे हो आप? ऊपर से देखो VBE, राइट, बेस में प्लस, एमीटर पर माइनस, बेस में क्या लगा रहे हो प्लस, एमीटर में क्या लगा रहे हो माइनस, तो बताओ अगर एक लाइन में नीचे खींच लूं कॉमन लाइन टू पोर्ट दिखाने के लिए, एक नीचे कॉमन लाइन खींच सकते हैं, नीचे ये वाली लाइन कॉमन खींच सकते हैं टू पोर्ट नेटवर्क की स्टार्टिंग जब हम करते हैं कि टू पोर्ट बनाना है अगर किसी डिवाइस पर, जैसे ट्रांसफार्मर का टू पोर्ट बनाते हैं हम लोग इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंसी बनाते समय क्या स्टूडेंट्स हमारे पास एक इनपुट पोर्ट और एक आउटपुट पोर्ट बनना चाहिए, राइट? तो एक बेस लाइन मैंने खींच ली कॉमन लाइन, अब मुझे बताओ ऊपर की कैरेक्टरिस्टिक को देखकर सुझाव दो VBE अपने पास क्या है स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बायस, अच्छा B पर प्लस है या E पर प्लस है, B पर, बेस पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका मतलब अगर ये अपने पास बेस टर्मिनल है, नीचे हर जगह बेस ही है, तो बताओ बेस पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं प्लस, एमीटर पर माइनस, बेस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं प्लस और एमीटर पर माइनस, कोई इशू इसमें? और इसी पर आप लिख सकते हो VBE या दिस इज VBE और इसी को आप कह सकते हो इनपुट। अच्छा कलेक्टर टू बेस बायस में क्या है स्टूडेंट कंडीशन, इधर देखो इसको अपन रिवर्स बायस बना रहे हैं, बताओ मुझे कलेक्टर पर कौन सा टर्मिनल कनेक्ट है प्लस और बेस पर इसके रिस्पेक्ट में माइनस, राइट? तो बेस पर माइनस दिखाओ आप, बेस पर माइनस, कलेक्टर पर प्लस, तो क्या यहां आउटपुट हो जाएगा और आउटपुट साइड, आउटपुट साइड वोल्टेज क्या हो गया VCB और दिस इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर, राइट? ये ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, दिस इज एन, मैं मेंशन कर दूं, दिस इज एन, दिस इज पी एंड दिस इज एन। आपको पता है इनपुट जंक्शन, इनपुट जंक्शन में पी से एन की तरफ एरो लगेगा एमीटर की करंट की डायरेक्शन, पी से एन की तरफ करंट की डायरेक्शन का एरो लगेगा, राइट? तभी ये एनपीएन है। दो बार बी का मतलब नहीं, दो बार कहां है वो, एक ही बेस को आप इस तरफ भी दिखा रहे हो और इस तरफ भी दिखा रहे हो, ये इनपुट के लिए और ये वाला आउटपुट के लिए, राइट? एक बार आप इनपुट के लिए दिखा रहे हो, एक बार आउटपुट के लिए, कॉमन है ना बेस, ये बना लो, फिर हम लोग करेक्टरिस्टिक स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक दो दो बनेंगी सबकी, एक बार कॉमन बेस, अगला पढ़ेंगे कॉमन एमीटर, फिर कॉमन कलेक्टर, तीन तरह के करंट गेन, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। अभी जो कल पढ़ा था वो बीटा स्टार गामा स्टार था स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी और ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर। अब डीसी करंट गेन पढ़ेंगे प्रॉपर अप्रोक्सीमेट वाले। इसमें कोई डाउट तो नहीं स्टूडेंट्स कि क्यों मैंने यहां माइनस लिया है, क्यों यहां प्लस लिया है? होप ये बात सभी को क्लियर है कि यहां ऊपर क्यों माइनस लिया है, नीचे क्यों प्लस लिया है, राइट? चलो हाँ, वोल्टेज का स्टूडेंट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मुझसे पढ़ने के बाद आपने नेटवर्क में आपको बिल्कुल क्लियरिटी होगी कि कौन सा हायर कौन सा लोअर। VAB का मतलब VA माइनस VB, ऐसे ही VBE का मतलब VB माइनस V, राइट? ये क्लियरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। चलो अब इसमें अभी तक हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, एक इनपुट और एक आउटपुट। कॉमन एमीटर में भी इनपुट आउटपुट, कॉमन कलेक्टर में इनपुट आउटपुट। जी तो आपने सबसे फर्स्ट मान लीजिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात की, फर्स्ट यू आर टॉकिंग अबाउट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए।
इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इट इज क्वाइट सिमिलर टू डायोड, ये डायोड के सिमिलर होगी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक राइट। अच्छा इनपुट सेक्शन बताओ मुझे कौन सा है, एमीटर बेस सेक्शन है राइट। तो इनपुट पर जो आप करंट देख रहे हो, अच्छा एमीटर की करंट एनपीएन ट्रांजिस्टर में बाहर है, बेस करंट सॉरी दिस होगी और कलेक्टर करंट दिस होगी राइट। ये देख लो ना ऊपर से IE की डायरेक्शन क्या थी स्टूडेंट्स, आउटवर्ड, IB अंदर आ रहा है, IC अंदर आ रहा है, वही बनाया। तो मुझे बताइए कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं हम करंट और वोल्टेज की, तो इनपुट पर आपने वोल्टेज क्या लगाया VB, इसकी वजह से करंट क्या बन रही है आपके पास I, फाइन। तो करंट और वोल्टेज में किसके किसके बीच की कैरेक्टरिस्टिक है, वोल्टेज और करंट, कोई दिक्कत। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट, कोई प्रॉब्लम, इतनी बात क्लियर है। नहीं बेस तो सपोर्टिंग स्टाफ है, बेस तो सपोर्टिंग वैल्यू है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में इंजेक्शन किससे कर रहे हो आप, एमीटर राइट। बेस इज व्हाट, सपोर्टिंग स्टाफ ओनली हियर। अब देखो यहां पर अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो पहले तो ये स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए, आईई वर्सेस वीबीई, प्लॉट किसके किसके बीच में है, आईई वर्सेस वीबी एंड इस समय वीसीबी कांस्टेंट है, वीसीबी फिक्स है, क्या फिक्स है, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, उसको नहीं देख रहे, केवल किसको चेंज कर रहे हैं अभी हम, बेस टू एमीटर वोल्टेज को। अब आप दिमाग में लाइए, जैसे मान लो ये स्टूडेंट्स एमीटर करंट है और ये बेस टू एमीटर वोल्टेज है वीबी। अब आप मुझे सभी लोग आराम से बताएं, क्या फॉरवर्ड कंडीशन में यहां भी कुछ अवक्षय परत बनेगी राइट और ये अवक्षय परत भी तोड़ी जाएगी। इसको तोड़ने के लिए कैन आई से कि अगर वीबीई का मान वीबीई लगभग 0.7 राइट, एग्जैक्टली 0.7 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम बिल्कुल परफेक्ट प्रॉपर कंडीशन ले रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है स्लाइट चेंज, तो 0.7 लगभग किसके लिए, फॉर सिलिकॉन, और 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। इतना कठिन होता है तभी अवक्षय परत पूरी तरह से टूटेगी। तो बताओ फॉरवर्ड बायस में अवक्षय परत ये वाली, फॉरवर्ड बायस में ये वाली अवक्षय परत बहुत कम होगी और इसको तोड़ने के लिए 0.7 चाहिए। तो कब होगा करंट कंडक्शन स्टार्ट, जब 0.7 पहुंचा देंगे, उससे पहले कुछ बेसिक रिकॉम्बिनेशन हुए होंगे राइट। लेकिन जो एक्चुअल करंट फ्लो करेगी वो कब फ्लो करेगी, जैसे डायोड में होता था पहले स्टार्टिंग में, जब डिवाइस बनती है थोड़े बहुत रिकॉम्बिनेशन होते हैं, बट जो अवक्षय परत बनी है अगर इसको अवक्षय परत को तोड़ा ना जाए तो क्या लार्ज करंट फ्लो करती है। तो इसका मतलब आप यहां पर अर्ली फेज पर वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वेरी लो करंट, वोल्टेज बढ़ाते हुए कोई करंट नहीं बढ़ रही, बट एक पॉइंट के बाद ये करंट लार्ज फ्लो कर रही है और ये जो पॉइंट है इसी को कहते हैं कट इन वोल्टेज, इसी को क्या कहते हैं कट इन वोल्टेज, और यही कट इन वोल्टेज सिलिकॉन के लिए क्या है, इसे वी गामा कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या ये वी गामा सिलिकॉन का 0.7 होता है, जर्मेनियम का 0.3 होता है, आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी। और इस समय क्या फिक्स है स्टूडेंट्स, वीसीबी कॉन्स्टेंट है। और ये कैरेक्टरिस्टिक क्या डायोड के सिमिलर है, क्या फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो अभी हम खींच रहे हैं इनपुट की
क्या ये करेक्टरिस्टिक डायोड की फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक के सिमिलर है, तो नीचे के स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, दिस करेक्टरिस्टिक इज सिमिलर, यस दिस करेक्टरिस्टिक इज सिमिलर टू दिस करेक्टरिस्टिक इज, दिस करेक्टरिस्टिक का मतलब इनपुट करेक्टरिस्टिक से है, हाँ नहीं तो लिख ही दो, दिस करेक्टरिस्टिक ब्रैकेट में लिख सकते हो इनपुट, नहीं तो दोनों समझ जाओ आप, इनपुट करेक्टरिस्टिक इज एग्जैक्टली सिमिलर, इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, नहीं एक्चुअल में देखो 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 रुको रुको रुको, पहले लिख लो फिर ये बात डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि बनाते केवल इसको हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं एक बार इसको बता देता हूं, बस यही सब थोड़े फायदे हैं स्टूडेंट लैब के, लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो अगर कोई बात आई तो दिमाग में ग्राफ चलता है कि हाँ वहां क्या हुआ था, उसका थोड़ा एडवांटेज है, और जब केवल कागज पर चीजें सीखोगे तो ये दिक्कत आती है। बना चुके हैं सभी? ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, जैसे अभी मेरे से कहा विवेक सुनो, अब आपका ये क्वेश्चन था कि सर ये वीसीबी अभी कोई फिक्स लो वैल्यू है, तो ये वीसीबी अभी जो भी है ना वो बहुत लो वैल्यू है, मान लो ये जीरो है, एक है, दो है, अब आपने कहा कि मैं पहले अवक्षय परत बनी थी, देखो इधर पहले यहां अवक्षय परत थी और रिवर्स बायस आप बढ़ाने की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो रिवर्स बायस को और बढ़ाने की बात, तो जब रिवर्स बायस बढ़ाओगे तो बेस के अंदर अवक्षय परत बढ़ेगी, इफेक्टिव बेस विड्थ कम होगी, इफेक्टिव बेस विड्थ कम होने का मतलब कल वाली बात याद करो, दो बातें थी एक्चुअल में तीन थी, जिसमें पहली बात ये थी इफेक्टिव बेस विड्थ कम होने का मतलब रिकॉम्बिनेशन कम होना, बेस करंट घटना, दूसरी बात क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बन रहा था, यहां के ज्यादा चार्ज कैरियर जाएंगे, यहां के ज्यादातर चार्ज कैरियर जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएंगे तो क्या ये वाली करंट भी इंक्रीज कर रही थी, बोलो, और अगर ये करंट इंक्रीज कर रही थी तो अगर आपको लगता है कि सर कलेक्टर टू बेस का रिवर्स बायस और बढ़ा दें, तो अगर आप बढ़ाओगे तो एमीटर करंट थोड़ा इस वे में मिलने लगेगी, गॉट इट, और पहले क्यों, क्योंकि आप कलेक्ट, अरे बनाओ नहीं स्टूडेंट, बनाओ नहीं, ये बनाया एक ही करेक्टरिस्टिक जाता है, किसी ने पूछा तो बनवा दिया, राइट, हाँ मन करे तो बना लेना, उसके लिए मना ही नहीं है, कलेक्टर टू बेस का वोल्टेज हम जनरली फिक्स रखकर करेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं सर, विवेक का क्वेश्चन था सर अगर मैं चेंज कर दूं, तो चेंज करोगे तो क्या होगा, ये पहले मिलने लगेगा, आपके पास कलेक्टर टू बेस, कल बताया था अर्ली इफेक्ट, अगर रिवर्स बायस बढ़ाओगे तो क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थीटा चेंज होता था, तो वो करंट बढ़ेगी, तो एमीटर करंट बढ़ने का मतलब क्या, एमीटर करंट अब थोड़ा और पहले मिलने लगेगी, उतनी बढ़कर मिलने लगेगी, राइट, और थोड़ा वोल्टेज बढ़ाओगे तो लाइक दिस, तो मान लो मान लीजिए ये अब जो कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, वीसीबी पहले अगर जीरो था, फिर ये वाले में वन था, ये वाले में टू था, ऐसे हो सकता है हमारे पास, राइट, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें जब वीसीबी कुछ नहीं अप्लाइड था तब ये केस था, जैसे जैसे वीसीबी बढ़ाओगे
तो क्या स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक इंप्रूव होती जाएगी? कट इट नहीं, कट इन तो उसी भी बनेगा, कट इन तो 0.7 पर ही बनेगा स्टूडेंट्स, वो तो वही है, बट क्या कैरेक्टरिस्टिक पहले से इंप्रूव होकर मिलने लगेंगी, थोड़ा पहले से इंप्रूव होकर मिलने लगेंगी, राइट? बोलो फाइन। चलो अब ये लाइन लिख लो आप लोग, एग्जाम में पूछा जाता है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके सिमिलर होती है, तो आंसर होगा डायोड, और किस कंडीशन में, डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक भी यही होती है। करें स्टार्ट, नेक्स्ट लिखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट लिखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जी, अब बताओ मुझे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस पर बेस्ड है स्टूडेंट्स, आउटपुट कहां है, आउटपुट पर बनने वाली करंट आईसी, आउटपुट पर बनने वाला वोल्टेज वीसीबी, फाइन, आउटपुट पर बनने वाला वोल्टेज वीसीबी, आउटपुट पर बनने वाली करंट आईसी, यहां तक कोई इशू नहीं है। चलो तो अगर आपसे बोला जाए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक तो क्या बोलेंगे हम, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज ड्रॉन बिटवीन आईसी एंड वीबीई, सॉरी नॉट वीबी वीसीबी, आईसी एंड वीसीबी, दिस वन आईसी एंड वीसीबी, इन दोनों के बीच में आउटपुट है। और इस समय बेस टू एमीटर वोल्टेज फिक्स होगा, वीबी ऑलमोस्ट फिक्स होगा, फाइन। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आप बात कर रहे हैं आईसी वर्सेज वीसीबी, तो स्टार्टिंग फेज पर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बनाना बताया था शायद, ये रही कलेक्टर करंट की कैरेक्टरिस्टिक और ये रहा वीसीबी, अब इस कैरेक्टरिस्टिक को आप वन बाय वन मेरे हिसाब से जरा सुनना है स्टूडेंट्स, एक जनरल ओपिनियन बताओ, अगर आप थोड़ी देर के लिए इधर देखो जरा, अगर आप इस रीजन को नहीं देख रहे, मान लो आप अभी इस रीजन को नहीं देख रहे स्टूडेंट्स, एमीटर की कोई करंट अप्लाई नहीं है, मतलब बेस टू एमीटर वोल्टेज अभी अप्लाइड नहीं है, क्या अप्लाई नहीं है, वीबी, अगर बेस टू एमीटर वोल्टेज अप्लाई नहीं है, ध्यान से सुनने सभी लोग, बेस टू एमीटर अप्लाई नहीं है तो क्या माइनॉरिटी कैरियर करंट को रोक पाओगे, कलेक्टर टू बेस तो अप्लाई है ना, तो इसकी वजह से माइनॉरिटी कैरियर को रोक पाओगे क्या, माइनॉरिटी कैरियर की करंट तो बनेगी, बट क्या अगर वीबी नहीं लगा तो क्या कोई इंजेक्टेड करंट है अभी, यस जी, तो इन दोनों की वजह से पी टाइप के इलेक्ट्रॉन और एन टाइप के होल, क्या इनकी वजह से दो करंट बनी थी आईपीसीओ आईएनसीओ, और इन दोनों का सम आईसीबीओ था, याद करिए कलेक्टर टू बेस बायस करंट या कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमीटर इज ओपन सर्किटेड, आईसीबीओ का नाम कई बार बोला होगा, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमीटर इज ओपन सर्किटेड, क्या ये थर्मली जनरेटेड करंट है या लीकेज करंट है, यस जी, तो मैं कह सकता हूं
ये वाली करंट कुछ एग्जिस्ट करेगी, और क्या माइनॉरिटी थोड़ी देर बाद कांस्टेंट है? माइनॉरिटी की अपनी लिमिटेशन है, आप चाहे जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। आपको कल शायद बता चुका हूं वीसीबी की भी लिमिटेशन है, पंच थ्रू नहीं हो जाना चाहिए। वीसीबी इतना नहीं बढ़ा दोगे स्टूडेंट्स की खत्म, बेसी खत्म हो जाए, बताया था। हाँ, तो ये प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वीसीबी तक है कैरेक्टरिस्टिक। तो आप जैसे जैसे वीसीबी बढ़ाओगे तो माइनॉरिटी कैरियर रिवर्स बायस जंक्शन पर डिप्लीशन विड्थ को क्रॉस करते जाएंगे, और माइनॉरिटी की वजह से थोड़ी थोड़ी करंट बनेगी, कुछ समवॉट माइक्रो एम्पियर। और जब सारे माइनॉरिटी क्रॉस कर जाएंगे तो क्या ये कॉन्स्टेंट जैसा दिखने लगे? यस, बताओ इस करंट का नाम क्या है? क्या इस करंट का नाम ICBO है? और ये करंट कब डिफाइन है? जब एमीटर करंट का मान कितना है? 0 एम्पियर। फाइन, कोई दिक्कत यहां तक? अब आपने फिर से इस फिगर में देखो स्टूडेंट्स, अब आपने इस फिगर में कहा कि सर मैं कुछ बेस टू एमीटर वोल्टेज लगाऊंगा। बेस टू एमीटर वोल्टेज काम का कब है? पहले आपने लगाया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, कुछ थोड़े बहुत चार्ज कैरियर इधर उधर हुए। बट क्या ये चार्ज कैरियर बहुत कम है? जब तक प्रॉपर 0.7 नहीं मिलेगा तब तक अवक्षय परत टूटेगी क्या? और अवक्षय परत नहीं टूटी तो क्या मैक्सिमम चार्ज कैरियर क्रॉस कर पाएंगे? तो 0.7 के बाद प्रॉपर करंट बनने लगेगी, उससे पहले इंजेक्शन अच्छा होगा क्या चार्ज कैरियर का? तो चार्ज कैरियर का प्रॉपर इंजेक्शन कराने के लिए वीबी का मान 0.7 होना चाहिए सिलिकॉन के लिए और 0.3 जर्मेनियम के लिए। अब जब आपने वीबी बढ़ाया, राइट, इसका मतलब एमीटर करंट आ गई। कौन सी करंट आ गई? एमीटर। अब आप तुलना करो जरा, पहले केवल माइनॉरिटी की वजह से करंट बन रही थी, किसकी वजह से? केवल माइनॉरिटी। और अब देखो, अब अगर ये वाले चार्ज कैरियर जाने लगे तो क्या ये वाले चार्ज कैरियर अगर चलने लगे तो अब मेजॉरिटी करंट बनेगी, और ये मेजॉरिटी करंट मिली एम्पियर है, ये माइक्रो एम्पियर है, तो क्या ये काफी बड़ी करंट होगी, राइट? और जब ये करंट बनने लगी स्टूडेंट्स, तो क्या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक की बात, क्या कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास समवॉट लाइक दिस चालू हो जाएगी? और ये पहले से ऊपर क्यों हो गई? क्योंकि आपने बेस टू एमीटर अप्लाई कर रखा है। क्या अप्लाई कर रखा है? बेस टू एमीटर। जब कलेक्टर बेस वोल्टेज 0 भी है तो इंजेक्टेड करंट तो है, बेस टू एमीटर तो लगा रखा है तो करंट तो आएगी, यस। और धीमे धीमे इसमें क्या जुड़ा? माइनॉरिटी। अब बताओ मिली एम्पियर में माइक्रो एम्पियर जुड़ा भी तो क्या ये बहुत कम है? तो ये ऑलमोस्ट बिल्कुल हमें ऐसा लगता है सीधी लाइन जा रही है। और इसके बाद ये ग्राफ, अब मैं वीसीबी बढ़ाऊंगा तो क्या ये कांस्टेंट जैसा जाएगा? हाँ, अब बताओ इस समय एमीटर की करंट कितनी है? वीबी अगर बढ़ा दिया स्टूडेंट तो इंजेक्टेड कैरियर की वजह से ऐसा ग्राफ बनने लगा। आप कलेक्टर टू बेस के बढ़ाने पर कांस्टेंट ग्राफ बनना चाहिए, राइट? ये जो कांस्टेंट बनना चाहिए ये किस एमीटर की करंट पर है? क्या हम कह सकते हैं एमीटर करंट का मान आई बराबर IE1 है? बोलो। फाइन, अगर वीबी और बढ़ाया जाए तो क्या और इंजेक्टेड चार्ज कैरियर मूव करेंगे? अगर और फॉरवर्ड बस बढ़ाओगे तो और इंजेक्टेड चार्ज कैरियर मूव करेंगे, और चार्ज कैरियर मूव करेंगे तो और एमीटर करंट बनेगी, और एमीटर करंट बनेगी तो और कलेक्टर करंट बनेगी। इसका मतलब
क्या अब फिर से, देखो कलेक्टर टू बेस जीरो है बट फिर भी बेस टू एमिटर की वजह से क्या करंट आएगी? यस, और यहां पर स्टार्टिंग में केवल जैसे ही हम देखेंगे 0.7 के बाद क्या कंपेरेबल करंट बनने लगेगी और ये कांस्टेंट करंट जैसी कैरेक्टरिस्टिक आने लगेगी, और इस समय अपने पास आई का मान क्या होगा? आई बराबर आई ई टू। इसी तरह और आगे क्या ये कैरेक्टरिस्टिक लाइक दिस हो जाएगी? आई ई बराबर आई ई थ्री, ये कैरेक्टरिस्टिक अपने पास अचीव होगी, राइट? हम क्या बार बार बढ़ा रहे हैं? कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, हम कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट अपने पास कांस्टेंट होती चली जा रही है, राइट? लेकिन ये गलत है, हमने किस इफेक्ट को छोड़ दिया? कल अर्ली इफेक्ट पढ़ाया था, अगर अर्ली इफेक्ट पढ़ा था तो याद करो स्टूडेंट्स कल वाली बात, क्या अगर बेस विड्थ मॉड्यूलेशन कलेक्टर टू बेस बदलोगे बढ़ाओगे तो क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा तो क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से आईएनई बढ़ा? आईएनई बढ़ा तो एमीटर करंट बढ़ी, एमीटर करंट अगर बढ़ गई तो बताइए एमीटर करंट बढ़ने का मतलब, एमीटर करंट बढ़ने का मतलब क्या बात क्लियर हो रही है? हम कह सकते हैं अगर सर्किट में एमीटर करंट बढ़ी, राइट, तो आप केवल और केवल ये कैरेक्टरिस्टिक एमीटर की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से खींच रहे हो, एमीटर की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, एमीटर की फॉरवर्ड बायस की वजह से, जबकि स्टूडेंट्स को क्या रहा है, कलेक्टर बेस का रिवर्स बायस भी इस करंट को बढ़ा रहा है, राइट? कलेक्टर टू बेस का रिवर्स बायस भी इस करंट को बढ़ा रहा है, कल बताया था ये इफेक्ट। तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअल में कुछ ऐसी आई? दिस इज कॉल्ड इन प्रेजेंस ऑफ अर्ली इफेक्ट। अगर पहले मान लो कोई करंट 30 एम्पियर आ रही थी मिली एम्पियर, तो ये करंट धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, मतलब पहले वाली करंट से ये कुछ पॉइंट्स में बढ़ेगा, मैंने दूर दिखा दिया है स्टूडेंट्स इतना, ये केवल कुछ पॉइंट्स का फर्क है, लाइक दिस ही है ये कैरेक्टरिस्टिक, बस आपको दिख जाए इसलिए इतना ऊपर बना दिया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये अभी भी ऑलमोस्ट दिस है लेकिन सीधी नहीं है बिल्कुल, उससे थोड़ा सा उठी हुई है, क्लियर? क्या यहां नीचे भी ऐसा ही होगा? ये कैरेक्टरिस्टिक विद अर्ली इफेक्ट है, ये बढ़ती जा रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक विद अर्ली इफेक्ट है। अगर अर्ली इफेक्ट के साथ देखें तो क्या ये चेंज होता जा रहा है? यस, अर्ली इफेक्ट के साथ देखें तो क्या ये बदलता जा रहा है? यस, राइट, अर्ली इफेक्ट के साथ जब हम देख रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, सॉरी नीचे वाले पर नहीं देख पाएंगे स्टूडेंट्स, हाँ नीचे वाले पर ये जो हम इफेक्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नीचे केवल और केवल हमारे पास कौन सी करंट है? माइनॉरिटी कैरियर, कौन सी करंट है? माइनॉरिटी कैरियर, और एमीटर करंट का इफेक्ट तब देख पा रहे थे जब हमारे पास इनपुट बेस जंक्शन पर इनपुट करंट बने, राइट, जब यहां से इनपुट के चार्ज कैरियर ही नहीं जा रहे, एमीटर करंट कितनी है? जीरो, तब इसमें बहुत कम चेंज होगा, बहुत कम, वेरी लेस, ऑलमोस्ट वेरी लेस, बहुत कम करें, बहुत कम फर्क आएगा।
ऑलमोस्ट निग्लेक्टेड, राइट, बाकी में आएगा क्योंकि करंट बढ़ेगी। क्या ये करेक्टरिस्टिक सभी को अब आज से थ्रू आउट क्लियर है स्टूडेंट्स? लाल वाली कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दीज रिप्रेजेंट अर्ली इफेक्ट आर बेस वेट मॉड्यूलेशन। इस इफेक्ट को लिया हमने रेड कलर से, अदरवाइज नॉर्मल वर्जन। फाइन, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, ये ऊपर बना सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स मेंस में भी आपके एग्जाम में है, एसएससी जेके के मेंस पर लास्ट टू लास्ट ईयर भी पूछा गया था आपसे कॉमन एमिटर की कैरेक्टरिस्टिक है, सिलेबस में है। एक्चुअली जो आपका मेंस का पेपर है उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे ज्यादा बेसिक का पार्ट है मेंस में। मेंस मींस बेसिक ओनली, लगभग 120 160 मार्क्स आप मेंस पर बेसिक से कवर करते हैं, और मेजरमेंट काफी ज्यादा पोर्शन है, बेसिक का पोर्शन बहुत ज्यादा है, ये तीनों सब्जेक्ट उसमें बहुत ज्यादा कवर होंगे। वहां पर ज्यादा क्वेश्चंस, कुछ मशीन के क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिल जाते हैं, कुछ डेरिवेशन मिल सकते हैं, पावर सिस्टम बहुत रेयर पूछा जाता है, कम पूछा जाता है, राइट, मैग्नेटिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैग्नेटिक कपलिंग और मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट पूछने की वजह है क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटोस्टेट्स वाला भी पोर्शन कवर करते हैं, जो आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा, ईएमएफ एमएमएफ एनालॉजी, वहां से जब हम लोग फ्लक्स के साथ रिलेशंस बनाते हैं, कब फ्लक्स हमारे पास एडिटिव होगा, कब सब्ट्रैक्टिव होगा, कैसा ऑपरेशन होगा। फाइन, चलो अब देखो ये कैरेक्टरिस्टिक में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो स्टूडेंट्स यहां तक, कब तक? ठीक है, इसमें मैं क्या ये बोल सकता हूं, जैसे आप ऊपर वाले फिगर को थोड़ा रिलेट करो, क्या स्टूडेंट्स यहां अपने पास कलेक्टर करंट आईएनसी और आईसीबीओ का सम है? देखो ये करंट अंदर जा रही है और ये दोनों जा रही है, इन दोनों को आईसीबीओ कहते हैं और इसको आईएनसी कहते हैं, तो बताओ आईसी का मान क्या है? क्या हम ये बोल दें आईसी बराबर, आईसी इज नथिंग बट INC plus ICBO, right? IC बराबर INC plus ICBO, और ICBO, ICBO is very less. तो क्या IC बराबर लगभग बराबर INC हो जाता है, राइट? IC बराबर लगभग INC हो जाता है। इसी तरह आप मुझे यहां बताओ, इधर एमीटर करंट कौन सी है स्टूडेंट्स? क्या एमीटर करंट INE और IP का सम है? बोर्ड पर देखकर बताइए, मैक्सिमम चार्ज कैरियर यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं, ये जो बेस रीजन है ये तो बहुत थिन है, बेस रीजन बहुत थिन है, बेस रीजन में डोपिंग भी लाइटली डोप्ड है, तो कुछ ही होल्स हैं जो यहां आ रहे हैं। अगर कुछ ही होल्स यहां आ रहे हैं और यहां के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं, तो बताओ बड़ी करंट कौन सी है, आई एनी मेजर करंट है या आईपीई, कौन सी करंट मेजर है? रिप्लाई करो INE IP, गुड करेक्ट। इसका मतलब
अपने पास इस समय आई पूछा जाए तो क्या आई बराबर दिस प्लस दिस होगा? देखिए जरा, आई बराबर आई एन ई प्लस आई पीई है, जिसमें से आपने आई पीई इज वेरी वेरी लेस, इज वेरी लेस, तो क्या कह सकते हैं आई ई लगभग बराबर है आई एन ई के? आई लगभग बराबर होगा आई एन ई के, फाइन? यस, आईपी को निग्लेक्टेड मान लिया। तो आप जिस डाटा को यूज करते हैं स्टूडेंट, अब मैं उसकी बात करता हूं आज से। आपसे अगर पूछा जाए अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर, अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर, तो आप कहते हैं अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर डीसी करंट गेन ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर मे बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट। ये जनरल डिफिनीशन होती है, अदरवाइज एग्जैक्ट डिफिनीशन मैंने जो अल्फा की पहले बताई थी वो है, राइट? तो अल्फा का मान अगर बोला जाए तो क्या है, आउटपुट करंट कौन सी है कलेक्टर, इनपुट करंट कौन सी है एमीटर। ये साइन ऐसे लगा लेना, अप्रोक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट। ये कौन सा साइन है? अप्रोक्सीमेट। तो बताइए आईसी का मान कितना हो जाएगा? आईसी बराबर अल्फा इंटू आई। Approximate only, not exact. This is approximate. अब अल्फा का प्रैक्टिकल मान की बात करें, अल्फा में भी 0.95, 0.98, 0.99, almost very close to one. अल्फा का मान लगभग वन के आसपास हम बनाना चाहते हैं, right? Almost very close to one. Almost very close to one. One हो नहीं पाता, वन से कम ही रहता है, वेरी क्लोज टू वन, राइट? ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू वन। कंप्लीटेड? आप लोग यही पढ़ते हुए आए हो, बोलो। अल्फा आईसी अपॉन आई, राइट? एक्चुअल में अल्फा क्या होता है जो कल बताया था, कल से पहले बताया था क्या कहीं? यस, एक्चुअल में अल्फा क्या है स्टूडेंट्स? इंजेक्टेड कैरियर करंट रीचिंग टू द कलेक्टर टू द टोटल एमिटर करंट, राइट? बट आईपीसी अपॉन आई होता है ये,
अल्फा क्या होता है, आईपीसी अपॉन आई, और आप आईपीसी को क्या मान लेते हैं, आईसी, तो क्या आप बोल सकते हैं आईसी अपॉन आई, इस रिलेशन को आप डायरेक्ट फिर यूज कर लेते हैं, अल्फा बराबर आईसी अपॉन आई, क्लियर। एक्चुअल में क्या होता है, आईपीसी अपॉन आई, लेकिन आप लगभग इसको ये बना लेते हैं, क्लियर। चलो ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बोल दिया आपको, अल्फा बराबर आईसी अपॉन आई लगभग। अब मुझे बताओ, एग्जांपल को जरा समझना स्टूडेंट्स, रिलेट करते हुए, अगर मैंने आपसे कहा इफ एमीटर करंट आपने बेस टू वोल्टेज बढ़ाकर 10 मिली एम्पियर अचीव की और अल्फा का मान मेरे सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए 0.95 मान लो, तो बताओ आईसी कितना होगा। आईसी बराबर अल्फा इंटू आईई, अल्फा का मान मैंने कितना मान लिया 0.95 गुणे 10 मिली एम्पियर, तो क्या कह सकते हैं आईसी का मान घटकर 9.5 मिली एम्पियर आ गया। बोलो, इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं यहां करंट पर कितनी लगभग वैल्यू आ रही है, तो 9.5 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट, और इस कलेक्टर करंट के साथ आईई का मान कितना आ रहा है, 10 मिली एम्पियर। जब आप इनपुट पर 10 मिली एम्पियर का इफेक्ट लगा रहे हो, राइट, बेस टू एमीटर इतना रख रहे हो कि एमीटर करंट कितनी है 10, तो यहां कलेक्टर करंट 9.5 पहुंच पाती है। देखो देखो देखो, 9.5 के बाद क्या हो रहा है, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 58, 59, 9.6, 9.5 से बढ़ते 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 ये 9.6 पर जाकर रुक जाए। इतना होता है जस्ट इफेक्ट, अर्ली इफेक्ट, राइट। ये बहुत बड़ा मान नहीं होता, 9.5 से अर्ली इफेक्ट जब आएगा तो ये लगभग 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 9.6 तक बढ़ा दे, राइट। तो एमीटर करंट के 10 मिली एम्पियर के मान पर कलेक्टर करंट कितनी, 9.5, क्या मान लू इसको IC1। चलो IE2 को एक बार 20 मान लेता। अब बताओ अगर बेस टू एमीटर वोल्टेज इतना है कि वो क्या मेंटेन कर दे रहा है स्टूडेंट्स, करंट एमीटर की इंजेक्टेड कैरियर बढ़ाकर 20 मिली एम्पियर, अगले वाले को कुछ और मान लो 30 मिली एम्पियर, ऑल दीज आर फिक्सियस डाटा, एग्जांपल है समझाने के लिए, तो बताओ क्या हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट पर आईई का मान अगर आपने 10 की जगह इस बार लिया है 20 मिली एम्पियर, ट्रांजिस्टर वही है तो उसका अल्फा बदलेगा क्या, अल्फा फिक्स है, तो बताओ आई बराबर 20, अल्फा बराबर 0.95, तो आईसी बराबर IC2 बराबर अल्फा इंटू IE2, 0.95 गुणे 20 मिली एम्पियर, राइट, क्या 19 मिली एम्पियर आ जाएगा। थर्ड IE3 बराबर 30 मिली एम्पियर, अल्फा बराबर 0.95, बताओ IC3 बराबर अल्फा गुणे IE3, 0.95 गुणे 30, लगभग 28.5, चेक कर लो एक बार, वैल्यू लिख लो, ये जस्ट मैं क्लियरिटी के लिए बनवा रहा हूं स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग क्लियरिटी ठीक ठाक रहे।
जस्ट कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अल्फा का कोई मान मान लिया, आई पर वैल्यू मानते जा रहे हैं 10 20 30 कुछ जनरल फिक्सियस डाटा, 9.5 कलेक्टर करें, एक बार 19 एक बार 28.5 कटती जाएगी। Completed. Fine. अब देखो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में आई इवन का मान 10 था तो आई सी वन का मान 9.5 आया, आई सी टू का मान लगभग कितना आया था 9.5 मतलब 19, और आई सी थ्री का मान 28.5 आया। तो क्या ये जो अपने पास वैल्यूज बन रही हैं, दिस वन आप देख पा रहे हैं एमीटर करंट के ठीक ठाक मान पर कलेक्टर करंट में थोड़ा तो कम वैल्यू बनेगी, राइट? इतना तो समझ पा रहे हैं सभी। अब ये करेक्टरिस्टिक बताओ यहां कहीं किसी को कोई दिक्कत हो, आईसी बराबर अल्फा ई में हमने दोनों रीजन कैसे ऑपरेट किए थे स्टूडेंट्स? देखो इधर, आपने एमीटर टू बेस वोल्टेज, राइट, जो आपके पास बेस एमीटर वोल्टेज था, बेस पर प्लस लगा रहे थे ना, वीबीई क्या था, फॉरवर्ड बायस, और वीबी क्यों बोले इसको जंक्शन बोले, जेई जंक्शन क्या था, फॉरवर्ड बायस, जेसी जंक्शन क्या था, रिवर्स बायस, एक फॉरवर्ड अगला रिवर्स। तो क्या ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर रीजन में था? और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर रीजन पर क्या ये ट्रांजिस्टर इस समय अपनी एक्टिव स्टेट में था? तो इसे कहते हैं, जब भी हम बात करते हैं एक्टिव रीजन, तो एक्टिव रीजन में पहला बेस और एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स, तब ट्रांजिस्टर जाकर क्या बनता है, एम्पलीफायर। कैसा दिखता है ये, एम्पलीफायर जैसा, राइट? लेकिन क्या ट्रांजिस्टर है ऊपर वाले, तूने ट्रांजिस्टर को क्यों बनाया, राइट? मतलब ट्रांजिस्टर अलग अलग कई काम पूरे करता है। देखो जादू स्टार्ट करो, क्या 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 सोचो सोचो सोचो, कल वाली बात पर वापस आओ, हाँ दिमाग थोड़ा लगाओ, देखना इधर इधर देखना स्टूडेंट्स, बहुत मजेदार बात। ये हमने फॉरवर्ड लगाया, ये हमने रिवर्स लगाया, क्यों लगाया, बोले सर आपने बताया। हाँ, अभी तक हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स से ट्रांजिस्टर के एक्शन को समझ रहे थे इन टर्म्स ऑफ एक्टिव स्टेट। तो ये जब एक्टिव रीजन में काम करता है, तो स्टूडेंट जो करेक्टरिस्टिक आती है, ये करेक्टरिस्टिक किसको बिलोंग करती है, एक्टिव, ये पूरी करेक्टरिस्टिक किसको बिलोंग कर रही है, एक्टिव रीजन को, राइट? ये समय कैसा वर्क करा रहा है, एक्टिव। अब जरा देखो कमाल की बात, इनपुट में फॉरवर्ड बायस लगा है, अगर मैं आउटपुट में भी फॉरवर्ड बायस लगा दूं,
क्या लगा दूं, फॉरवर्ड, तो क्या होगा? थोड़ा फॉरवर्ड भी लगा रहा हूं, ज्यादा नहीं, स्लाइट फॉरवर्ड, बिल्कुल थोड़ा फॉरवर्ड लगा रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या लगा रहे हैं? बहुत थोड़ा फॉरवर्ड। अभी इसी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा रहा हूं, अभी इसी कैरेक्टरिस्टिक को देखो, जरा मजा आएगा आपको। अगर आप, अच्छा एक बात, कैरेक्टरिस्टिक को अगर इस तरफ बनाए थोड़ा पीछे जाकर, तो क्या इस तरफ माइनस वीसी भी आने लगेगा? बोलो, अगर माइनस वीसी भी आने लगेगा राइट, तो माइनस वीसी भी आने का मतलब, माइनस वीसी भी आने का मतलब, इधर देखो जरा, कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी आ रही होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी आ रही होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी आ रही होगी। इस बात को थोड़ा हमें समझना है कि आखिर ऐसे 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 क्या हो रहा है ये, राइट। आ जाओ अब देखो, यहां पर मैंने आपसे कहा कि आप ये नीचे लिख लो एक लाइन, इफ वी सी बी इज negative applied, if VCB is negative applied, एक लाइन जोड़ दो इसमें, if VCB is negative applied, VCB कैसे अप्लाइड कर रहा हूं, negative, मान लो VCB का मान है -0.1, जस्ट स्लाइट निगेटिव, बहुत छोटा निगेटिव, जस्ट स्लाइट निगेटिव, जस्ट थोड़ा सा निगेटिव वोल्टेज लगाया है, जस्ट स्लाइट निगेटिव, बना लिया सबने? जस्ट स्लाइट निगेटिव, बिल्कुल थोड़ा सा निगेटिव लगा रहे हैं। नहीं अभी तो और कुछ नहीं बताया ना, ठीक है। अब देखो, जैसे ये ट्रांजिस्टर था, इस फिगर को जरा समझेंगे आप, जैसे ये अपने पास ट्रांजिस्टर था और ये कॉमन बेस वर्जन है, दिस इज एमीटर टर्मिनल, कलेक्टर, बेस और यहां एमीटर था, तो फॉरवर्ड बायस में तो हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, ये बेस मान लो कॉमन है, दिस इज बेस, दिस इज बेस, फॉरवर्ड बायस में अपने पास E पर माइनस अप्लाई था, बेस पर प्लस, B पर प्लस अप्लाई था और VBE दिस था। यहां मैंने कहा, ध्यान से देखें सभी लोग, VCB, हां देखो जरा, VCB अप्लाई है माइनस का 0.1, इससे क्या समझते हो स्टूडेंट्स? अगर VCB माइनस का अप्लाई है, इसका क्या मतलब है? बोला करो स्टूडेंट, VCB माइनस है, इसका मतलब क्या है? ये रिवर्स बायस वोल्टेज था और आप माइनस में अप्लाई कर रहे हो, तो क्या वो फॉरवर्ड नहीं हो गया? राइट, माइनस का माइनस उसको उल्टा बना देगा, राइट, एक्सेप्टेड माय वर्ड्स? हाँ, पहले एक्चुअल में ये रिवर्स बायस था, ये पहले रिवर्स बायस था स्टूडेंट्स,
और अब आपने माइनस वोल्टेज लगाया तो माइनस माइनस मिलाकर क्या मैं अंदर की पोलरिटी बदल दूं, ऐसे दिखा दूं, ये माइनस प्लस दशमलव एक, और माइनस प्लस दशमलव एक का मतलब देखो कलेक्टर पर कौन सा पोटेंशियल माइनस, बेस पर कौन सा पोटेंशियल प्लस, हाँ या ना? उल्टा दिखा दें आप, अगर निगेटिव का वोल्टेज लगा रहे हो तो क्या इसको उल्टा नहीं दिखा सकते आप? और अगर इसको उल्टा दिखाएं तो यस, आप देखो जादू स्टूडेंट्स, अब आप क्या कह रहे हो मेरी बात को समझना, एक मिनट, बना लिया क्या इसको आपने? जल्दी 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 सिमिलर टर्म्स पर बना लो। यस, दिस टाइम बेस बिकम्स हायर कंपेयर टू कलेक्टर। चलो करो स्टार्ट। फाइन, देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो फिगर था ये रहा एमीटर, ये रहा बेस और ये रहा कलेक्टर। इसका नाम N, इसका नाम P, इसका नाम M। आपने यहां पर जो पोटेंशियल लगाया है N पर आपने लगाया है माइनस और P पर प्लस, तो क्या लाइक दिस बन गया? और इस बार उल्टा हो गया, यहां इस बार एन पर आप लगाना तो चाहते थे प्लस, लेकिन एन पर लग क्या गया इस बार? निगेटिव पोटेंशियल। और निगेटिव वोल्टेज का मतलब क्या कह सकते हो कि एन पर भी माइनस लग गया। और अगर एन पर माइनस लगा तो होप मेरी बात गेट कर रहे होंगे आप कि ये था VBE और ये है VBC, राइट? या अगर आप इसको VCB लिखना चाहते हैं तो VCB लिखते समय आपको क्लियर होना चाहिए कि वैल्यू माइनस में है। फाइन, क्लियर है? सस्कांत और संतोष और तीसरे प्राणी, एक ही कमरे में हो आप लोग तीनों, मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हाथ में पेनमेन की जगह जो है क्या बोलते हैं उसको, अनुराग सर, हाँ, खाना वाना बना रहे हो आप लोग, हाँ यही बताते हो मुझे, पेन है हाथ में? चलो चलिए, सॉरी, देखो इतनी बात क्लियर है क्या? देखो पिछला वाला जो फिगर था, दिस वन, बेस टू एमीटर पर वीसीबी था और वीसीबी का उल्टा वीबीसी है। इस बार आपने यहां क्या लगा दिया? माइनस। अगर आपने माइनस लगा दिया
ध्यान से देखो आप सब, माइनस लगाने का मतलब, माइनस लगाने का मतलब यहां माइनस माइनस माइनस, यहां भी माइनस माइनस माइनस। देखो इधर, ये थे इलेक्ट्रॉन्स, ये थे इलेक्ट्रॉन्स, ये थे इलेक्ट्रॉन्स, ये थे इलेक्ट्रॉन्स। बहुत इत्मीनान से सुनना पहले मैं क्या बोल रहा हूं। सभी लोग ऑन रहो, जरा दिखाई दो मुझे। इसका मतलब हो क्लास में, अभी भी कुछ लोग नहीं हो, ये पक्का स्क्रीन रिकॉर्डर वाले हो गए। चलो ठीक है, अब सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पर स्टूडेंट्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से रिपल्सन फोर्स मिल रहा है। जब इनको रिपल्सन फोर्स मिल रहा है तो क्या रिपल्सन फोर्स से यहां जा रहे थे? और मेरी बात बहुत ध्यान से आप लिसन करना, क्या यहां केवल अभी 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया है? 0.1 क्या बहुत हाई वोल्टेज है? 0.1 इज वेरी लो वोल्टेज। अगर 0.1 बहुत लो वोल्टेज है तो क्या 0.1 यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है स्टूडेंट्स, यहां से तो ये तेजी से जा रहा है कोशिश में, राइट? लेकिन क्या ये वाला यहां कुछ रिकॉम्बिनेशन भी होंगे? बट क्या जो यहां की कहानी है, इधर देखते जाओ स्टूडेंट्स, ये जो यहां की कहानी है, यहां से ये जो चलने वाले हैं, क्या अब तक इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता था इस साइड, या प्लस मिलता था? ये जाते थे यहां और यहां जाने के बाद ये फील करते थे कि हमें यहां जाना है, इस बार यहां क्या लगा है? माइनस। अब जब माइनस लगा है तो ये वाले चार्ज कैरियर जा तो रहे हैं यहां, लेकिन क्या इसके बाद इनको सपोर्ट मिल रहा है तुरंत कि यहां पहुंचे? पहले केवल 0.1 लगा, तो 0.1 लगा तो क्या यहां भी रिपल्सन मिल रहा है? तो स्टूडेंट्स चल रहे हैं ये चार्ज कैरियर बहुत तेजी से, इधर जा रहे हैं, हैवली डोप्ड है। अब जाते जाते हमें लग रहा है कि सारे चार्ज कैरियर यहां पहुंचने चाहिए, राइट? हम चाहते थे मैक्सिमम चार्ज कैरियर यहां पहुंचे, तो हमने जो पहले कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी उसमें हम मैक्सिमम चार्ज कैरियर के रिस्पेक्ट में कैरेक्टरिस्टिक बना रहे थे। लेकिन अब जरा सोचो, जब आपने निगेटिव का वोल्टेज लगाया तो क्या निगेटिव का वोल्टेज लगाने पर करंट घटने लगेगी? करंट घटने लगेगी, करंट घटने लगेगी, करंट घटने लगेगी, करंट घटने लगेगी, और एक पॉइंट पर ये जीरो हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने पोटेंशियल कौन सा लगाया स्टूडेंट्स? निगेटिव। निगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ निगेटिव वोल्टेज क्या अब इनको फोर्स ऑफ यहां से भी रिपल्सन मिल रहा है? हालांकि ध्यान से सुनना, फोर्स ऑफ ये यहां से आ रहे थे, इधर ये चार्ज कैरियर ऐसे आ रहे थे, बहुत तेजी से चल रहे थे, राइट? लेकिन चलते समय क्या इस बार केवल माइनस का 0.1 अभी जस्ट लगाया, तो क्या 0.1 पर जो पहुंच रहे थे चार्ज कैरियर, उनको कुछ रिपल्सिव फोर्स मिलने लगा? कुछ रिपल्सिव फोर्स, तो कुछ चार्ज कैरियर इधर जाने लगेंगे। तो पहले सुने ध्यान से मेरी बात, पहले कहानी थी 1000 की, पहले यहां पहुंच रहे थे 990, इस बार ये 900 ही रह गए। अब आपने 0.1 की जगह 0.2 लगाया, अब ये 900 की जगह 800 ही रह गए। अब आपने मान लो 0.3 लगाया, ये केवल 500 रह गए। अब आपने 0.5 लगाया तो ये 0 रह गए। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, इसका मतलब समझ पा रहे हैं क्या? जितना आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं स्टूडेंट्स,
ध्यान से सुनना, ध्यान से, जितना इस वोल्टेज को आपको लग रहा बहुत बड़ा वोल्टेज है, आप फॉरवर्ड बायस में पहुंच रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी वेट करेंगे, अभी केवल इतना पोटेंशियल है कि बस यहां माइनस दिखा रहा है। पहले ये आ रहा था, यहां जब प्लस होता था तब ये यहां खिसता चला जाता था, अब क्या दिख रहा है, माइनस। तो यहां से चला तो बहुत तेजी से, लेकिन क्या इस माइनस को देखकर रुकने की कोशिश में, और धीमे धीमे माइनस बढ़ता जा रहा है तो क्या रिपल्सन फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो क्या कुछ चार्ज कैरियर जो पहले यहां मैक्सिमम आते थे वो यहां कम आते हुए दिखाई देंगे, बोलो घटेंगे या नहीं? ये अंदर से फील कर पा रहे हो कि पहले की तुलना में यहां निगेटिव वोल्टेज लगने पर क्या चार्ज कैरियर जितने पहले यहां पहुंच रहे थे उससे कम पहुंचेंगे? ये बात समझ पा रहे हैं? ये सब क्लियर है यहां तक जयप्रकाश, राइट? तो अगर ऐसा होगा तो स्टूडेंट्स हम इसको अगर प्रैक्टिकली वाच करें तो क्या हो रहा है जरा समझें। इस करैक्टरिस्टिक में जब आप केवल 0.1 वोल्टेज लगा रहे हो, राइट, कितने की बात कर रहा हूं मैं, 0.1 की, किसकी बात कर रहा हूं, 0.1, तो आपके पास ये करैक्टरिस्टिक, थोड़ा सा विजुलाइजेशन लेवल कर पा रहे हो क्या इतना जो मैंने पहले बोला है, या मैं एक एक वैल्यू लिखकर बताऊं इसको, इतना समझ पा रहे हैं कि यहां माइनस आने का मतलब क्या है, रिपल्सन बनना रिपल्सन, और रिपल्सन का मतलब क्या है, पहले जितने पहुंच रहे थे अब उससे कम पहुंचेंगे, क्यों, माइनस वोल्टेज है, और माइनस वोल्टेज की वजह से क्या ये जो कैरेक्टरिस्टिक होगी स्टूडेंट्स, राइट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कहां गई, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक, हाँ देखिए अब जरा, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक जो पीछे जा रही है, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक 0.1 वोल्ट पर होगी, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, ऐसे ही चलती चली जा रही है, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक जो बैक साइड देख रहे हैं हम, राइट, जैसे जैसे आप इस वोल्टेज के पास पहुंचोगे, पहले ये 0.1 था, फिर 0.2, 0.3, लगभग 0.5, 0.5 के आसपास सभी वैल्यू लगभग क्या होने लगेंगी, जीरो, मतलब माइनस का ये जो 0.5 वोल्ट है, प्रैक्टिकली माइनस 0.5 तक पहुंचते पहुंचते लगभग हर रीजन में, पहले इस वाले रीजन में करंट जीरो, इस वाले रीजन में कलेक्टर करंट जीरो, इस वाले रीजन में कलेक्टर करंट जीरो, लेकिन जब आपने, ध्यान से सुनो, बढ़ाया होगा वोल्टेज निगेटिव में, तो पहले 0.1 में थोड़ी करंट घटी होगी, 0.2 में और घटी होगी, 0.3 में और, 0.4, 0.5 में, इसी तरह फिर आप करंट यहां देखो घटा हुआ, वोल्टेज बढ़ा रहे हो निगेटिव में, तो क्या करंट घटती जा रही और 0.5 में जीरो। इसी तरह यहां जैसे जैसे निगेटिव में वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या ये घटता जाएगा और लगभग 0.5 के पास जीरो हो जाएगा। फाइन, इसका मतलब क्या ये करैक्टरिस्टिक स्लाइट वोल्टेज के लिए, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, देखो इधर, क्या मैंने कहीं वर्ड यूज किया था, यस, जस्ट स्लाइट निगेटिव, अगर थोड़ा निगेटिव अप्लाई करोगे तो क्या थोड़ा निगेटिव अप्लाई करने पर ये करैक्टरिस्टिक लाइक दिस दिखाई देगी पीछे स्टूडेंट्स, और ये बहुत पास वैल्यू है इसलिए एक साथ दिखा दिया है, बोलो समझ पा रहे हो सभी, फाइन है यहां तक, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या? अब जिंदगी का असली मजा, अगर हम
इस वैल्यू को 0.7 से ऊपर बढ़ाकर चलते, यदि इस वैल्यू को हम थोड़ा और बढ़ाकर चलते, एक मिनट ये पहले करेक्टरिस्टिक बना लो, आप लोग उसी में बना लो, उसी साइड, उसी में पहले बैक साइड बना लो। एक ही डायग्राम में मैं सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स, कट ऑफ, सैचुरेशन, एक्टिव, तीनों ही रीजन। बना लिए सभी ने? ठीक है स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट फिर कल देखेंगे, एक कंक्लूजन बनेगा भी कट ऑफ का अलग, राइट, सैचुरेशन का अलग, अब इसको कल ही देखेंगे। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।